गजब के पलटू है यार आप। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। मैं अगर जिले का कलेक्टर होता ना आपको सस्पेंड कर देता। मैं अगर जिले का कलेक्टर होता ना भाई साहब राजगढ़ जिले का, मैं आपको नौकरी से निकाल देता। आपका अधिकार नहीं है भाई साहब नौकरी पे बैठने का। जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना उसके काबिल नहीं हो। घूस दे के बन गए आपके जैसे अधिकारी, रिश्वत दे के बन गए हैं आप। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना झूठ बोलने की जो कला है ना, झूठ बोलने की जो कला है वो पंचायत में दिखाया करो आप, ठीक है? ये बताइए मेरे को, अभी आपने झूठ बोला, तीन झूठ आपने बोल दिए गांव वालों के सामने। दूसरे पैसे आए होंगे ना आपके पास? मैं क्यों बताऊंगा, मैं मुनीम हूँ क्या है भाई साहब? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये गौशाला संभालता हूँ क्या मैं? आप संभालते हो ना, आप बताओ मुझे। यही सवाल मैं करता हूँ, कितना पैसा आया था? आप मुनीम नहीं, इतने पैसे भेजना आपने जो है ना प्रतिनिधि, उन्होंने उनकी जेब से लगाए, ऐसा है मेरा अनुमान। इतने ईमानदार है आदमी। अच्छा ये कितने निकाले थे भाई साहब? चिट्ठी लाना इधर, ये देखो पूरा हिसाब किताब है। 1,80,700 रुपए का हिसाब मुझे बताइए। तो भाई साहब देवली चारण के चौथरा पंचायत में हम खड़े हैं। ये पीछे देख लीजिए गौशाला की हालत, गौशाला खाली है। और गौशाला खाली होने का कारण ये है कि भ्रष्टाचार बहुत जोर ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। जिन भाई साहब ने भ्रष्टाचार किया है वो भाई साहब भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि आखिर पैसा गया तो गया कहाँ पे? कहीं ये बिहार के दूसरे लालू प्रसाद तो नहीं है जो गाय का चारा भी खा जाते हैं? चलिए भाई साहब के पास चलते हैं सबसे पहले, फिर आपको गौशाला की हालत भी दिखाएंगे। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी किस पद पर हैं आप? ये रोजगार सहायक पद पर हूँ। अच्छा ये कितने निकाले थे भाई साहब? चिट्ठी लाना इधर, 50,950 रुपये। ये देखो पूरा हिसाब किताब है, 1,80,700 रुपये का हिसाब मुझे बताइए। जी अब मेरी बात सुनिए, ये जो संचालन करते हैं ये सरपंच साहब द्वारा किया जाता है ना, सरपंच सचिव द्वारा, ठीक है ना सर? उसके बाद में जो है राशि निकली है तो ये मार्च तक की है, और मार्च तक के यहाँ पे है ना गाय रुकी हुई थी ऑलरेडी, है ना सर? मार्च तक यहाँ पे गाय रुकी हुई थी। मार्च तक रुकी हुई थी? जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में छोड़ दिया था गायों का, पूरा छोड़ दिया था। मार्च में नहीं थी, ठीक है, तक रुकी हुई थी। मार्च में 20-25 मार्च को छोड़ दिया था। उसके बाद में तीन राशि जो प्राप्त हुई है मेरे संज्ञान अनुसार, जो कि पंचायत में रिकॉर्ड जो सचिव से पूछने के बाद में, और आगे की जानकारी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान अनुसार जो है आप राशि बता रहे हैं इनमें से जो है 17,024,400 और 15,300 जो राशि है ये है ना, इनमें से कट के वहाँ से ऊपर से दी है, मतलब सुदाना जो है उन्होंने सामने से भेजा है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया आपकी। बल्कि 1,80,700 रुपये जो निकले भाई साहब वो जनवरी से लेके अभी तक निकले ना, है ना? तो ये उसमें तो गाय थी नहीं। एक लाख अस्सी हज़ार है ना, 1,80,000 में से जो ये सुदाना है ना ये पैसे उन्होंने काट के भेजे हैं, और ये सुदाना उन्होंने भेजा है। कहाँ से आता है ये ऑफिस से, है ना? ये गुण ये 15,000 और 17,000 आप कम कर सकते हैं। चलो ये कम कर लिए। अब ये भूसा बोल रहे हैं गांव वाले कि भाई साहब गांव वालों का भूसा है, ये भूसे के पैसे कहाँ गए? जी इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं, ठीक है ना सर? बाकी सब सब बारे में आपको जानकारी है? इस बारे में भी मैं संज्ञान अनुसार कह रहा हूँ। अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब, आप मुझे एक सवाल का छोटा सा भाई साहब जवाब ये दे दीजिए आप कि ये जो भूसे के जो पैसे निकले हैं ये किसके हाथ में लगे होंगे? ये भूसे के पैसे निकले हैं ना सर, ये सरपंच साहब, सरपंच साहब जो नाम क्या है पूर्व सरपंच जी का? ये है रेखा भाई, रेखा भाई। तो मतलब भूसे के पैसे उन्होंने खाए, सचिव का मिला हाथ है क्या इसमें? कोई तात्पर्य नहीं है खाने के, कोई तात्पर्य है ना भाई साहब, गांव वालों ने डाला है भूसा। आप क्या बात कर रहे हैं, गांव वालों ने डाला है भूसा? सुनिए सर, गांव वाले कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई साहब? एक आदमी झूठ बोल सकता है या 10-11 आदमी खड़े हैं? गांव वालों ने भूसा डाला, मैंने मान ली कि उन्होंने भूसा डाला। भूसे का पैसे कहाँ गए? मेरे संज्ञान अनुसार कह रहा हूँ, भूसा आपने डाला, किनने डाला? हाँ आपने डाला। किन किसने डाला? मारे भाई ने डाला, और शुक्ली भाई ने डाला, हरिभा ने डाला, और दो तीन। भूसे भूसे का पैसा कहाँ गया इसका हिसाब कौन देगा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, गौशाला का संचालन 22 अगस्त से किया जा रहा है यहाँ पे। कितने अगस्त से? ठीक है, जनवरी का पैसा है भाई साहब, ये हिसाब किताब जो है जनवरी का है। गौशाला खाली क्यों है अभी तक? सरकार पैसे नहीं भेज रही क्या?
इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ इतना मुझे बस एक सवाल लास्ट वाला पूछ रहा हूँ, सवाल बोल रहा हूँ आपसे, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलेंगे कैसे पैसे खाए आपने, किसने खाए, आप लोगों ने खाए, मिली क्यों नहीं खाया भाई साहब आपने, संचालन गौशाला का संचालन 22 अगस्त से हो रहा है, चारे का हिसाब किताब बताइए ना भाई साहब, गांव वालों ने डाला है चारा, मेरी बात सुनिए, हमारे पास रिकॉर्ड है, सब है, व्यवस्थित है, वो समय आने पर बता दिया जाएगा, जो सबूत है वो तो मेन यहाँ पर है ना, गांव वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे, मेरी बात सुनिए 22 अगस्त से गौशाला का संचालन हो रहा है, कितने अगस्त से, 22 अगस्त से, अब आप जुड़े कितने महीने हो रहे हैं, मार्च तक इतने भी महीने हो रहे हैं, 1,80,000 और पीछे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना सर, जो जेब से खिलाया पिलाया सरपंच ने या प्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि ने, है ना, जेब से खिलाया उनके, जेब से खिलाया क्या भाई साहब, आप झूठ कितने बोल रहे हैं भाई साहब, कैमरे के सामने आप इतने कॉन्फिडेंस में, फिर भी मैं जो कह रहा हूँ मेरे को जानकारी नहीं है, मैं संज्ञान अनुसार कह रहा हूँ, साहब जानकारी आपको नहीं है, संचालन 22 अगस्त से हो रहा है, कितने, मैंने आपकी बात मान ली, गौशाला का संचालन अभी गाय क्यों नहीं है, किसान परेशान है, अभी गाय क्यों नहीं है, जो चुनाव हुआ है, जब से चुनाव हुआ है यहाँ पे सरपंच का, सरपंच ने गौशालों को बाहर निकाल दिया, बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, सरपंच कौन मरा नया, सरपंच कौन है, ये कौन मरा नया, मोर सिंह वर्मा उन्होंने निकाला बाहर, आप ये बोल, पूर्व सरपंच ने निकाल दिया, चुनाव हुआ जिस दिन काउंटिंग हुई है ना भाई साहब, आप अभी बोल रहे हैं मार्च में बंद हो गई थी गौशाला, अभी बोल रहे हैं चुनाव होने के बाद गायों को निकाल, फिर उन्होंने गायों को नहीं रोका नहीं, यहाँ पे वो चुनाव नहीं लड़े ना, तो उन्होंने गायों को नहीं रोका नहीं, जैसे चुनाव टाइम की बात है क्या, उससे पहले की बात है भाई साहब, मार्च की बात है, सुनिए मार्च में तो गायों को छोड़ दिया था, ठीक है ना, उसके बाद में फिर आदेश आया कि आप गाय रोकिए है ना, तो अब रोकने वाला कौन है, सरपंच साहब ने बोला, मार्च अप्रैल मई जून इनका पैसा कहाँ गया, 4 महीनों का पैसा कहाँ गया, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है भाई साहब, आपको जानकारी है नहीं, आपका कितना हिस्सा था, फिर भी तो बता रहे, कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, आपका कितना हिस्सा था, यूँ तो बताइए आप, बोल रहा हूँ आपसे, मेरे को 1,80,000 जो भी है इसमें से कितना हिस्सा था आपका, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, मैं कोई, मेरे पास थोड़ा बहुत तो ईमानदार बनी है, गायों के पैसे सचिव नहीं हूँ, ठीक है ना सर, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, आपके आपकी रेस्पेक्ट है, लेकिन उन लोगों से बोलना कि गाय के पैसे मत खाया करो, आप जमाने के पैसे चढ़ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाय वालों को बख्शता नहीं हूँ, अभी कलेक्टर साहब आएंगे उनको कैसे जवाब देंगे आप, तो आप है ना जो समिति है यहाँ पे उनसे भी यानी बात कर सकते हैं, ठीक है ना सर, समिति क्या खाक करेगी, किसान लोग खड़े हैं, इनकी फसल बर्बाद हो रही है और गाय गौशाला जो है खाली पड़ी है, गौशाला खाली पड़ी है, मतलब आप आपके पद का तो इस्तेमाल कीजिए, आपने कितनी कोशिश की कि इस गाय में गौशाला गाय आ जाए वापस, इस गौशाला में कितनी कोशिश की आपने, एक कोशिश बता दीजिए, कोशिश की ना, क्या कोशिश करें, गाय है तो गाय आती है यहाँ पे, रात को रुक जाती दिन, ये भाई साहब यार कहाँ आती है गाय, अभी उधर से घेर के लेके आए वो भाई साहब, जो भी है वो भी आपके आदमी होंगे जी सर, इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप सरपंच सचिव से बात कर सकते हैं, भाई साहब से कुछ एक सवाल रह गए थे पूछिए भाई साहब, जी सर मेरा यूँ कहना है आपसे रिक्वेस्ट कि जैसे कि गायों को संचालन 22 अगस्त से सरपंच साहब द्वारा किया जा रहा था, ठीक है ना, उसके बाद में 22 अगस्त से जैसे उन्होंने दिसंबर तक गौशाला का संचालन किया, ठीक है ना, उसके बाद में कुछ राशियां प्राप्त हुई 1 महीने 2 महीने 3 महीने की, ठीक है ना, 3 महीने की राशियां जो प्राप्त हुई उसमें से भी जो सुदाना के पैसे है ना, सुदाना के पैसे जो है उन्होंने काट के सुदाना भेजा है, जैसे कि 53,000 की राशि जो प्राप्त हुई है तो उसमें से 17,000 काट दिए हैं और 37,000 कुछ भेजा है और सुदाना उन्होंने भेजा है, तो सुदाना कहाँ है, वो सुदाना यहीं पे रखा है, कहाँ रखा है, क्यों सुदाना आया क्या भैया जी, यहाँ पे सुदाना आया क्या अंकल जी, सुदाना आया क्या यहाँ पे, रखा है, कितनी कट्टी रखी है, 37,000 का रखा है पूरा, नहीं 37,000 नहीं, 14 कट्टी रखी है, 14 कट्टी कितने की आती होगी, खिला दिया है मार्च में गायों को, खिला दिया है ना पहले, जैसे मार्च में आप बोल रहे हैं कि जनवरी पर, मेरी बात सुनिए, मार्च में तो गाय ही नहीं थी, खराब हो जाएगी अभी तक, फरवरी में गाय छोड़ दी थी भाई साहब बोल रहे हैं, मार्च के बाद गाय नहीं थी ना, तो मार्च के बाद जो सुधन आया है वो रखा हुआ है, ये बोल रहा हूँ, 3 महीने से 4 महीने सुधन रखा, खराब हो गया, आप बोल रहे थे कि पूरा 8 महीने का हिसाब है कि नहीं है मेरे पास, मैं क्यों रखूंगा भाई साहब, मैं इस गौशाला का मुनीम हूँ क्या, मैं आप अधिकारी है, आपको जानकारी होना चाहिए, जी मैंने कहने का मेरा इसलिए तात्पर्य था कि आपने 3 महीने का बता दिया, ठीक है ना, 3 महीने का हिसाब आप क्लियर नहीं बता पा रहे हैं भाई साहब,
तीन महीने का भी हिसाब आप क्लियर नहीं बता रहे। 1,80,700 रुपए कहाँ गए? 1,80,700 रुपए कहाँ गए तीन महीने के? गायों का संचालन किया सरपंच साहब द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने पूर्व में 6 महीने भी संचालन किया है। संचालन कैसे किया? घास फूस तो इन लोगों ने खिलाया भाई साहब, घास फूस इन लोगों ने खिलाया ना, गाँव वालों ने खिलाया। सरपंच साहब से मेरी बात हुई है कि मुकेश, जो अपन ने पूर्व से संचालन किया है 6 महीने, उसका कोई पेमेंट अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। कोई पेमेंट प्राप्त है? आपको किस अधिकारी ने जानकारी दी थी पेमेंट? राजगढ़ अधिकारी। राजगढ़ अधिकारी, या तो वो अधिकारी झूठ बोल रहा है, सरपंच साहब झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद में जो आप राशि बता रहे हैं, जब से गायों का संचालन किया जा रहा है 22 अगस्त से, ठीक है ना, 22 अगस्त से आज दिनांक तक जो आप बता रहे हैं 1,80,000 प्राप्त हुए, ठीक है ना। अच्छा, 22 अगस्त से ये राशि प्राप्त हुई है? नहीं, 22 अगस्त से नहीं, जब से गायों का संचालन किया जा रहा है 6 या 8 महीने या 9 महीने, ठीक है ना सर, जो भी है 8-9 महीने सरपंच साहब द्वारा जो गाय साहब, ये 3 महीनों का हिसाब है भाई साहब, ये वो 3 महीने का हिसाब है, मैंने मान ली। लेकिन आप 8 महीने क्यों बता रहे हैं इसको? 8 महीने क्यों बोल रहे हैं आप? कहने का तात्पर्य यूँ है, मेरे संज्ञान अनुसार गायों का संचालन 22 अगस्त से तो मार्च तक किया गया, ठीक है वो मैं मान रहा हूँ 22 अगस्त से मार्च तक किया गया, लेकिन ये 3 महीनों का भी हिसाब क्लियर नहीं है। ग्राम पंचायत को जो राशि प्राप्त हुई है वो 1,80,000 की प्राप्त हुई है, ये कहना है मेरा सिर्फ। बस 1,80,000 मिले ये 3 महीनों का ही, मतलब आपने 8 महीने, आप इतने ईमानदार है कि आपने 3 महीनों के पैसे में 8 महीने तक गायों को पाल लिया। उसके बाद में पंचायत के पासबुक को देख कर एंट्री करके उसके बाद में बता सकते हैं। सुदाना है, रख क्यों रखिए गायों को यहाँ पे, रखिए ना। आज तारीख तक अगर गौशाला चालू है तो ये चालू क्यों नहीं है गौशाला? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तारीख मार्च से बंद है ना गौशाला, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज तक चालू ना। क्यों बचा लिया आपने घर की गायों को खिलाने के लिए? क्या रखा है? हमारे क्यों रखा है भाई साहब? तो सर गायों का संचालन बंद है ना मार्च से, आप बोल रहे हैं कि मार्च से बंद है, ये बोल रहे हैं कि मार्च से बंद है, जबकि ऐसा नहीं है। भाई साहब रुकती है यहाँ पे रात रात को? रुकती है क्या गाय यहाँ पे भाई साहब? नहीं रुकती है, नहीं रुकती गाय, वैसे भाग क्या जाती है कोई गाय रोक? कर्मचारी है क्या? कर्मचारी है क्या? कर्मचारी वो तो बोलो बोलो, और गांव वाले नहीं नहीं बोले कर्मचारी नहीं। गाय रुकती है कि नहीं रुकती है? नहीं नहीं अभी तो। गाय रुकती है क्या? हाँ गाय रुकती है यहाँ पे क्या? शुक्ला नहीं डलता है ना, गाय रुकती है। तुम मंजूर है, खेत में जाती है किसान की फसल बेल के रात में आकर खड़ी हो जाती है यहाँ पे बस। और फिर आप रुकना बोल रहे हैं भाई साहब, ये झूठ पहला झूठ तो आपका यही पकड़ा। पहला झूठ कहाँ से पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा? आप यार सुनने को तैयार नहीं है। मैंने आप बोल रहे हैं गाय रुकती है, ये बोल रहे हैं नहीं रुकती है। मैंने बोल दिया आपसे कि मार्च तक गायों का संचालन हुआ है, उसके बाद में गर्मी में ये क्यों बोल रहे हो कि गायें अभी भी रुकती है यहाँ पे, ये तो मत बोलो कम से कम। बोल रहा हूँ दिन भर तो गाय घूमती है, ठीक है ना, दिन भर चरती है और रात को यहाँ पे आ जाती है, यूँ बोल रहा हूँ मैं। किसानों की फसल बर्बाद करके आ जाती है और आप खुश है उसमें? मैं कहाँ से खुश हूँ? जिसकी 1-2 बीघा जमीन है उसके घर जाके पूछिए आप क्या हालत होती है। फसल बर्बाद हो जाती है भाई साहब, मरने लायक हो जाता है आदमी। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि गायों का संचालन मार्च से। बड़ी खुशी से स्माइल के साथ बोल रहे हैं भाई साहब कि घूम के आ जाती है दिन भर चर के इधर उधर खेतों में और रात में यहाँ रुक जाती है। नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कहाँ रुक रही है गाय अभी अभी। ये आपने 2 मिनट पहले बोला भाई साहब, आप गजब के पलटो आदमी है यार, आप गजब के पलटो है यार, आप समझ नहीं रहा मैं जो बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहा। मैं अगर जिले का कलेक्टर होता ना आपको सस्पेंड कर देता हूँ, मैं अगर जिले का कलेक्टर होता ना भाई साहब राजगढ़ जिले का, मैं आपको नौकरी से निकाल देता। आपका अधिकार नहीं है भाई साहब नौकरी पे बैठने का, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना उसके काबिल नहीं हो आप। घूस दे के बन गए आपके जैसे अधिकारी, रिश्वत दे के बन गए आप। 10 महीने जेब से किया है उसमें से सिर्फ एक, आप रिश्वत दे के अधिकारी बन गए, आप रिश्वत दे के अधिकारी बने हैं आप। आगे कोई जानकारी नहीं दे सकते आप, यही तो है, यही है ना आपके पास 1,80,000 में से। अरे ज्यादा हुए भाई साहब, 3 महीने का हिसाब किताब है वो, पूरा हिसाब क्लियर आपको बता दूंगा। द्वारा सचिव के द्वारा समिति को साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना झूठ बोलने की जो कला है ना, झूठ बोलने की जो कला है वो पंचायत में दिखाया करो आप, ठीक है। ये बताइए मेरे को, अभी आपने झूठ बोला, 3 झूठ आपने बोल दिए गांव वालों के सामने। पहली बात मेरा यूँ कहना है सिर्फ 1,80,000 आए हैं, जब से गौशाला का संचालन हो रहा है तभी। ये भी झूठ बोल रहे हैं आप, मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को। ये 3 महीने का हिसाब है, जनवरी से लेके मार्च तक का, और मार्च भी पूरा नहीं किया आपने, से लेके दिसंबर तक का हिसाब। रुकी नहीं आपकी, दूसरे पैसे आए होंगे ना आपके पास? कहाँ से आए दूसरे आप बता सकते हैं? मैं क्यों बताऊंगा, मैं मुनीम हो क्या आएगा भाई साहब? कैसी बात कर रहे हैं आप, ये गौशाला संभालता हूँ क्या मैं? आप संभालते हो ना, आप बताओ मुझे, यही सवाल मैं करता हूँ, कितना पैसा आया था? आप मुनीम नहीं, इतने पैसे आपने जो है ना प्रतिनिधि उन्होंने उनकी जेब से लगाए, ऐसा है मेरा अनुमान। इतना ईमानदार है आदमी, तो यहाँ क्यों नहीं आया कैमरे के सामने?
इतने ईमानदार है तो। अब ये इस बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो अब आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आए, ये मैं नहीं जान सकता, ये बता भी नहीं सकता कि वो कैमरे के सामने क्यों नहीं आए। आप ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना 1,80,000 वो 3 महीने का हिसाब से, अगस्त से लेके अभी तक का हिसाब आपको भी नहीं पता है। और अधिकारी यहाँ पे आपको जानकारी, आपको ज्ञान होना चाहिए इतना तो। बोल रहा हूँ नहीं आपसे, मुझसे हिसाब पूछ रहे भाई साहब। मैं मुनीम हूँ क्या यहाँ का? मैं गाय संभालता हूँ क्या गौशाला में? पहली बार आया हूँ मैं। आप सिर्फ 1,80,000 बता रहे तो फिर अगस्त तो उसका हिसाब आप क्लियर नहीं है, उसका हिसाब आप क्लियर नहीं। किसका 1,80,000 का क्लियर नहीं कर रहे हैं आप हिसाब? तो सर मैं 45,000 भूसे का निकला है, वो भूसा गांव वालों ने डाला है। संचालन किया प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, वो आके वो भी बता सकते हैं। मेरे को जानकारी नहीं है पूरी, आप जो बोल रहे हैं 1,80,000। आपको जानकारी, आपको जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आप अधिकारी हैं। बता रहा हूँ नहीं आपसे, मैं अधिकारी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 22 अगस्त से गौशाला का संचालन हो रहा है, ठीक है ना सर? अरे संचालन आपने बस 10 बार, ज्यादा नहीं जानता हूँ, पैसे के बारे में नहीं जानते आप। ये इस तरह के अधिकारी घूस दे के बन जाते हैं भाई साहब, इनके मुंह पे बोल रहा हूँ मैं तो। अगर घूस दे के बने, कैसे बात कर रहे हो? घूस दे के बने हो आप भाई साहब? मैं बातें क्यों क्यों नहीं करेगा आदमी? आप 4-5 झूठ एक साथ कैमरे के सामने कैसे बोल रहे हो? आपसे क्या बोला? आप सबसे पहली बात तो ये सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ कि 22 अगस्त से गौशाला का संचालन हो रहा है, ठीक है, मार्च एंड तक। एक ही बात, मुझे ये नहीं पता है, पैसे का हिसाब नहीं पता ना आपको, इस बारे में पैसे का हिसाब नहीं पता है ना आपको पूरा? 1,80,000 पंचायत 3 महीने का है, वो तो हमने निकाला है, वो हमने हिसाब निकाला, आपने नहीं निकाला, उसका ज्ञान भी नहीं था इनको, क्या इनको नहीं था, ठीक है ना? बस इससे बारे जान नहीं, ठीक है ठीक है। ये देखो भाई साहब है सहायक मंत्री जी, पानी वानी पी लेना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक है ना? आप गौशाला का निर्माण बता रहे हैं 22 अगस्त से, पैसे के बारे में कहाँ बता रहे हैं भाई साहब आप? नहीं, गौशाला का संचालन हो रहा है भाई, संचालन हो रहा है, लेकिन 1,80,000 जो बता रहे हैं ना भाई साहब, वो हिसाब भी हम ही ने निकाला है। और आप 8 महीनों का हिसाब हमसे पूछ रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 10 महीने गायों का संचालन हुआ है, वो भी मैं निकाल के दे दूंगा, आपका काम मैं कर दूंगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती है, मैं कर दूंगा आपका हिसाब। 1,80,000 मिली हुई है, अधिक जानकारी के लिए और सरपंच से बैठ के आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। ये देख लो, ये गौशाला की हालत देख लो भैया, ये गंदगी दिखा दो थोड़ा सा, और ये देखो ये भूसा देख लेना, कितने महीने पुराना होगा भाई साहब? ये 5-6-7 महीने पूरा, 5-6 महीने पुराना, 5-6 महीने पुराना भूसा है, ये भूसा है जो कचरा है, जो खाते नहीं है, गाय नहीं खाती है, जो रोड़ी पे डालते हो कचरा है। पैसे निकाल लिए इन्होंने, निकाल लिए पैसे, निकाल लिए पूरे 1,80,700 रुपये, सरपंच साहब और मंत्री दोनों के हिस्से है। जनवरी और फरवरी 2 महीने का आ रही है, सिर्फ 2 महीने, ओनली 2 महीने का आ रही है। ये भाई साहब कितना जिम्मेदार है जो बात कर रहे थे? सबके हिस्से है, सबके हिस्से, सबने खाए हैं तो बोलेंगे, वो तो सबके हिस्से सबके हैं भाई साहब। उसमें कितनी परेशानी हो रही है गायों की वजह से? बहुत सबसे ज़्यादा किसान को, गायों को परेशानी हो रही है, गायों को भूखे मर रही है, किसान की फसल नष्ट कर रही है, इनको कोई पता नहीं है तो पैसे खा के बैठ गए, कोई आता नहीं सामने। खाली गौशाला है भाई साहब, एक बार दिखा दो रोडू भैया, बाहर से भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, आप संभल के आइएगा, थोड़ा सा बारिश हो रही है, संभल के वहीं से कवर कर लो आप, इधर आ जाओ निकल के। ये देखिए हालत गौशाला की, आप देख लीजिए भाई साहब। और ये जो जिस अधिकारी से बात करी है वो जवाब नहीं दे पाए ठीक से, ये जो गाय देख रहा है ना, अभी अभी आई हुई है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले, ये मत सोचिएगा गौशाला चालू है, कचरे में खड़ी हुई है गाय, देख लो आप इधर ये हालत है। ये भूसा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भूसा है, ये राजगढ़ के जो लोग हैं ना, मंत्री, सहायक मंत्री, सरपंच, ये लालू प्रसाद यादव बनके ये गाय के चारे को खा जाते हैं, घास फूस को खा जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है थोड़ी सी भी, कंकर मिट्टी है, मतलब हालत ही खराब कर रखी है राजगढ़। ये लोग किसान है, वो देखो उधर, देखो उधर कैमरा घुमाकर दिखाओ आप, कंकर मिट्टी है, ये जितने खड़े हैं सब किसान है, ये परेशान है बेचारे, क्या ही बोले सर इन लोगों के बारे में, शर्म आ जाती है, मतलब मन करता है कि पलट दे सब कुछ, लेकिन क्या करें सर। ये इधर भी आ जाओ, इधर भी कचरा भरा पड़ा है पूरा, आके दिखा दो थोड़ा नज़दीक, ये कचरा कचरा दिखा दो पूरा, ये कचरा देख लो आप, मतलब हद कर रखी है, इतनी बड़ी गौशाला खाली कैसे हो सकती है, और किसान परेशान है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती है।
पैसों का हिसाब ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। जो सवाल होता है सर हमको जानकारी नहीं है, आप अधिकारी क्यों हैं फिर? आपको जानकारी नहीं है तो नौकरी छोड़ दो ना, बिस्तर लगा के सो जाओ आराम से। कलेक्टर साहब से निवेदन है, आदरणीय आइएगा। और मैं तो बोलता हूँ जिले की जितनी गौशालाएं हैं उनकी जांच पड़ताल कीजिएगा, सरकार लाखों रुपए भेजती है इन लोगों को। और ऐसे लोग चट कर जाते हैं ये लोग। सुधाना के जो पैसे आए, सुधाना अभी तक आई नहीं है, गौशाला में नहीं आई, राजगढ़ से हो गई है मगर सुधाना के पैसे खा गए। घास तो खाया, गांव वालों के सामने मानने को तैयार नहीं है आदमी की गांव वालों ने घास पूरी डलवाया है गौशाला में। सहायक मंत्री हैं ये, जिनसे बातचीत हुई थी अभी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो भाई साहब, ऐसे लोगों से हिसाब किताब मांगा जाए बेंच पर बिठा करके। जानकारी नहीं है तो नौकरी छोड़ करके, और भाई साहब आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, आप नौकरी लायक नहीं है। कलेक्टर के पद पे होते तो अभी सस्पेंड कर देते आपको। जनता देख रही है, किसान पुत्र किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और सरपंच साहब थोड़ी बहुत शर्म हो, जो पूर्व में सरपंच रहे हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा, हम दोबारा भी आएंगे आपके लिए आ जाएंगे सर, क्योंकि आपने पैसा खाया है तो हिसाब किताब तो हम ही को लेना पड़ेगा। दोबारा भी आएंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा नहीं खाया हो तो बुला लीजिएगा, खाया हो तो मत बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।